हाय गाइज, तो क्या हाल है। और आज की इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मोटो एस 40 प्रो स्मार्टफोन के बारे में। अकॉर्डिंग टू गिज्मो चैनल लिक्स्टर के थ्रू आई है इसकी रूमर। तो जैसा कि मोटोरोला की तरफ से पिछले महीने मोटो एक्स 40 स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च हो गई थी, और वही मोटो एक्स 40 का रिवरेंट होकर इंडिया में मोटो एस 40 सीरीज के नाम से आएगी। मोटो एस 40 प्रो के स्पेसिफिकेशन के बारे में इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। मोटो एस 40 प्रो स्मार्टफोन FCC, Geekbench और TDRA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्टेड हो गई है। तो ये फोन पास में ये बस कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन के अंदर आपको दो कलर देखने को मिलेंगे, ब्लैक और ब्लू। एंड बात करें डिजाइन के बारे में, तो डिजाइन में आपको कर्व बैक देखने को मिल जाएगा और स्क्वायर शेप जैसा कि कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा, और कैमरा मॉड्यूल के अंदर आइसलैंड भी देखने को मिल जाएगा। तो मिलता जुलता जैसा कि मोटो एक्स 40 स्मार्टफोन के जैसा ही डिजाइन होने वाला है। और बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर आपको पंच होल कटआउट वाला अपर सेंटर वाला जैसा कि देखने को मिल जाएगा, बिंदी नोच बीच के साइड में, और थोड़ा जैसा कि कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 6.67 इंच की OLED वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले के अंदर आपको फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिल जाएगा, और डिस्प्ले के अंदर आपको 165 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट नहीं बल्कि रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और DC डिपिंग भी होगी और कटिंग एज भी होगा। और डिस्प्ले के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाइड वन L1 जिसपे आप नेटफ्लिक्स से फुल क्वालिटी में जैसा कि वीडियो को देख पाओगे नेटफ्लिक्स या और भी कई सारे OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 50 MP का ट्रिपल रियर कैमरा स्लॉट होगा, और तो जैसे कि 50 MP का प्राइमरी सेंसर के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन भी होंगे, और उसके अंदर सोनी का IMX766 प्रोसेसर होगा, सेंसर होगा। तो जैसा कि कैमरा के अंदर भी काफी लाजवाब होगी, और 50 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 12 MP का टेलीफोटो सेंसर। तो कैमरा तो जहर होने वाला है, और तो आपको 60 MP की सेल्फी भी देखने को मिलेगी, 60 MP की यानी कि 60 MP की सेल्फी देखने को मिलेगी। ओ माई गुडनेस। एंड इस स्मार्टफोन की बैटरी के अंदर आपको 4600 mAh की बैटरी और 125 W की वायर्ड चार्जिंग मिलेगी, और 15 W वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। एंड गाइस, तो बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 चिपसेट, जो कि कितना लाजवाब है आप देख ही सकते हो। इनके ऊपर आप BCMI ग्राफिक्स की बात की जाए तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम 90 FPS और लास्ट ग्राफिक्स अल्ट्रा HD+ अल्ट्रा लास्ट ग्राफिक्स जैसा कि आपको देखने को मिल जाता है। एंड वैसे ये चिपसेट बेटर है गेमिंग के मामले में। एंड इस स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी में आपको जैसा कि ये चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी कि मोटोरोला के मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन के अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, बट आपको इस स्मार्टफोन के अंदर कस्टम UI बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 देखने को मिलेगा। ये चीज मेरे को बहुत ही चीज अच्छी लगी। एंड आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और फेस अनलॉक, वाइड बैंड L1, ब्लूटूथ 5.2, Wi-Fi 6E। तो कनेक्टिविटी में और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, बट जैसा कि आर्टिकल में इतना ही था जैसा कि मैंने आपको इतना ही बताया। एंड प्राइस एंड रैम वेरिएंट के बारे में बात करें, तो इसका बेस वेरिएंट 12GB प्लस 256GB LPDDR5X प्लस UFS 4.0 के साथ अमेरिकन डॉलर के हिसाब से इसकी प्राइस हो जाती है 59,457, और यूरोप यूरो के हिसाब से इसकी प्राइस हो जाती है 75,308 रुपए। ये तो होगी आर्टिकल की रिकॉर्डिंग। अगर मैं आपको बताऊँ तो इनकी एग्जैक्ट प्राइस आपको 60 या 65 हज़ार के अप्रोक्स देखने को मिल जाएगी, और ये इंडिया में फरवरी के मिड तक आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। खत्म।